हेलो, होप यू डूइंग गुड। आज की वीडियो में बात करेंगे वर्ड्स के बारे में, जिसे हम मस्से कहते हैं, कि मस्से क्या होते हैं और मस्से होने के कौन कौन से रीजन है। उसके बाद बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन की, कि वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो वर्ड्स के कम्प्लीटली रिमूवल में, यानी कि कम्प्लीटली क्योर में बहुत अच्छा काम करती है। एक बात का याद रखेगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि वर्ड्स हर किसी को सेम साइज के मिले, सेम अपीयरेंस के मिले। वर्ड्स की अपीयरेंस, वर्ड्स का साइज पर्सन टू पर्सन और उनके टाइप पर वेरी करता है। हो सकता है किसी को वॉर्ड्स बहुत छोटे छोटे मिलते हैं, हो सकता है किसी को मस्से बहुत बड़े बड़े स्फेरिकल फॉर्म में मिलते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको वॉर्ड है तो सामने वाले को भी सेम तरह का रहे, सेम साइज का वॉर्ड मिले। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि वॉर्ड्स क्या होते हैं और वॉर्ड्स क्यों होते हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा कि वॉर्ड्स हमारी बॉडी में क्यों होते हैं, तो ये भी पता चल जाएगा कि वॉर्ड्स क्या होते हैं। तो वॉर्ड्स होते हैं हमें इन्फेक्शन की वजह से, जो आता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से। अब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस क्या करता है बॉडी में, वो कैरेटिन का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। कैरेटिन एक हमारी बॉडी में हार्ड प्रोटीन है। अब हार्ड प्रोटीन की वजह से क्या है, जितना बॉडी में स्टोर हो पाया उतना ठीक है, जो स्टोर नहीं हो पाया वो एक बॉडी में, बॉडी के किसी भी पार्ट पे एक एक्स्ट्रा ग्रोथ की फॉर्म ले लेता है। वो मोस्टली लेता है एपिडर्मिस एयर, एपिडर्मल लेयर पे। एपिडर्मल पे क्या होता है, एक हार्ड बम्पी ओवरग्रोथ हो जाएगी। सपोज आपको फिंगर पर है, एपिडर्मल लेयर में एक हार्ड बम्पी ओवरग्रोथ हो जाएगी जो एक मस्से की अपीयरेंस ले लेती है। अब हम उसे वॉट कह सकते हैं। अब हम उसे एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऑफ कैरेटिन की वजह से जो एक हार्ड बम्पी ओवरग्रोथ हुई है वो भी कह सकते हैं। दोनों सेम चीज़ें हैं। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, कि होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी हैं जो वॉट्स के कम्प्लीटली रिमूवल में, कम्प्लीटली क्योर में अच्छा काम करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको मस्से कवर्ड एरिया पर हैं और मस्से साइज में बड़े हैं, मस्से आपको अंडर आर्म्स पर हैं, ग्रॉइंस एरिया पर हैं, कवर्ड एरिया पर हैं, मस्से सीड की साइज़ की अपीयरेंस के हैं, पेडेंक्यूलेटेड मस्से हैं, अगर ये सारे सिम्टम मिलते हैं आपको, तो उस केस में थूजा ऑक्सीडेंटलिस लेनी है। थूजा आपको 200 के फॉर्म में लेनी है। थूजा 200 सुबह खाली पेट 3 बूंद जीभ के ऊपर। एक बात का याद रखिएगा, थूजा इज़ वन ऑफ द मेडिसिन फॉर वॉट्स, थूजा इज़ नॉट द ओनली मेडिसिन फॉर वॉट। गूगल पर पेशेंट सर्च करते हैं या फिर पेशेंट को मस्से हैं, वो थूजा या तो लेकर आते हैं खुद से, मतलब 200 की पोटेंसी में, 1 ml की पोटेंसी में थूजा अप्लाई करके आते हैं वॉट्स पर। प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग थूजा इन एनी फॉर्म। लाइक आप थूजा, ऐसा नहीं कि आप अपॉइंटमेंट अप्लाई करते जाते हो थूजा तो आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, ऐसा नहीं होता है। सो प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर। कहते हैं अगर आपको ब्लीडिंग वॉट्स है, यानी कि मस्से ऐसे हैं जिसमें से बहुत जल्दी ब्लीडिंग होने लगती है, अगर हल्का सा उन्हें हार्ड टच करते हैं उनमें से ब्लीडिंग होने लगती है, अगर वो हल्का सा हार्ड प्रेशर से रब होते हैं उसमें से ब्लीडिंग होने लगती है। अगर आपको ब्लीडिंग वॉट्स हैं उस केस में होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। एंड आई गेस ब्लीडिंग वॉट्स आर द मोस्ट पेनफुल वॉट्स आई हैव एवर केम अक्रॉस। हल्का सा प्रेशर से आपने टच किया ब्लीडिंग होने लगती है, कुछ भी हल्का सा रब किया ब्लीडिंग होने लगती है। होम्योपैथिक मेडिसिन एसिड नाइट्रिकम लीजिएगा। एसिड नाइट्रिकम लेनी है 30 की पोटेंसी में, दिन में 2 बार, सुबह शाम 3-3 बूंद जीभ के ऊपर में लेना। ब्लीडिंग वॉट्स भी ठीक होंगे, जो ब्लीडिंग की टेंडेंसी है वो भी चली जाएगी। अब हमने बात की ब्लीडिंग वॉट्स की, बात की हमने कवर्ड एरिया पे वॉट्स की। अब हम बात करते हैं अगर आपको वॉट्स अनकवर्ड एरिया पर है, मोस्टली आपको मस्से फेस पर रहते हैं, यानी आपको नोज पर मस्से हैं, आईलेट्स पर मस्से हैं। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनके आंखों के ऊपर में मस्से रहते हैं, फेस पर, नोज पर, आईलेट्स पर मस्से हैं, बहुत छोटे छोटे मस्से हैं, स्कैटर्ड मस्से हैं पूरी बॉडी पर, मतलब हल्के हल्के से मस्से पूरी बॉडी पर है काइंड ऑफ। उस केस में कॉस्टिकम लेना। कॉस्टिकम इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर वॉट्स। कॉस्टिकम दिन में 3 बार लेना, सुबह दोपहर शाम, 2-2 बूंद जीभ के ऊपर में लेना ये आपको। और ऐसा आपको ना 15-20 दिन तक करना है। जो आपको अनकवर्ड एरिया पर वॉट्स हैं वो आपके धीरे धीरे करके झड़ना शुरू होंगे। साथ में आपको थूजा ऑक्सीडेंटलिस मदर टिंचर लेना है किसी भी मेडिसिन के साथ में, चाहे आप थूजा लेते हैं, कॉस्टिकम लेते हैं, एसिड नाइट्रिकम लेते हैं, थूजा ऑक्सीडेंटलिस का मदर टिंचर लीजिएगा 20-30 बूंद दिन में 2 बार, 1/4 का पानी में डालकर। थूजा मदर टिंचर बात करते हैं काम क्या करेगा इंटरनली। थूजा मदर टिंचर आपका जो कैरेटिन प्रोडक्शन है बॉडी में उसको हल्का सा रिड्यूस करेगा। आपकी जो एपिडर्मिस की लेयर बहुत हार्ड बम्पी ग्रोथ में आई है उसको रिड्यूस करेगा।
ये थी मेडिसन्स जो होम्योपैथिक मेडिसन उसमें वॉर्ड्स में बहुत अच्छा काम करती हैं। अब हम बात करते हैं कुछ फूड आइटम्स की कि आप ना वॉर्ड्स की टेंडेंसी को कैसे कम कर सकते हो और मेडिसन के अपार्ट फ्रॉम डाइट में क्या इंटेक कर सकते हो। वॉर्ड्स होते हैं हमें वाइटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से मोस्टली, तो वाइटामिन B12 के जो प्रोडक्ट्स हैं आप उनका इंटेक करना स्टार्ट कर सकते हैं। और एक बात का याद रखिएगा, जिसको भी वॉर्ड्स हैं, किसी भी पेशेंट जिसको भी वॉर्ड्स हैं, उसके बार बार वॉर्ड को टच नहीं करना है, अपना टावल अपना सोप ये सारी चीजें अलग से यूज करनी है। हाइजीन का जितना अच्छे से मेंटेनेंस आप रख पाएंगे उतना ज्यादा हमारी बॉडी में ऐसा रहता है कि वॉर्ड्स हमें नहीं होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।